ETE न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम ETE न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश के दोबारा आज कटनी जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता सहयोजकता दोबारा 24 घंटे के सामूहिक हड़ताल कर धरना प्रदर्शन कटनी कलेक्टर के सामने किया। विशेष रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करवाई। इनकी मुख्य मांग प्रदेश सरकार द्वारा मासिक भुगतान के कटौती करना व नियमित करने की मांग शामिल है। ममता रजन दोबारा अपनी मांगों को लेकर सामूहिक प्रदर्शन करने वाले सदस्यों के साथ ज्ञापन सौंपे जाने के लिए एकत्र हुई। काशी विश्वकर्मा मोनिका तिवारी और भारी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता सहायकों ने अपनी मांग पर बल दिया है, जिसमें सरकार ने 15,000 प्रति माह की जगह मात्र 10,000 रुपए की भुगतान किया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार बढ़ोतरी की हुई है। राशि 15,000 की राशि का भुगतान न होने से आक्रोशित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अपनी इस मांग को लेकर जिले के मुख्य हड़ताल पर प्रदर्शन किया है। प्राइम ETE न्यूज के लिए कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। राशि तो हमें कटौती की गई, ऊपर से जो 10,000 मिल रहा है वो भी जून के महीने से नहीं मिल रहा है। अभी जून, जुलाई और ये अगस्त, ये अभी तक हमें मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात एक और, अभी आंगनबाड़ी चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, आदर्श आंगनबाड़ी के लिए 50,000 की राशि बजट है, लेकिन उसके बावजूद पर्यवेक्षक द्वारा हमें डेली ये आदेश दिया जाता है कि आप लोग 600 रुपये इकट्ठा करें, आदर्श आंगनबाड़ी को डोनेट करें। जब हमें मानदेय नहीं मिल रहा था, हम 600 रुपये राशि क्यों देंगे? और जब आदर्श आंगनबाड़ी बनना, तो आदर्श आंगनबाड़ी के लिए तो वैसे भी पहले से केंद्र ने बजट 50,000 रुपये एक आंगनबाड़ी के लिए निर्धारित किया, आदर्श आंगनबाड़ी के लिए। लेकिन पर्यवेक्षक को द्वारा हमें दबाव बनाया जाता है कि आप थाली लेकर आए, बर्तन लेकर आए और फैक्सी फंड की राशि से ले। लेकिन हमें चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज एक डेढ़ साल से फैक्सी फंड की राशि भी हमें नहीं मिल रही है। रिकॉर्ड रजिस्टर भी हमें नहीं उपलब्ध हो रहे। रिकॉर्ड रजिस्टर एक रजिस्टर 120 और 150 रुपये का आता है, वो भी हम अपने स्वयं के मानने से खरीद कर पा रहे हैं। ये बड़ी अशोभनीय स्थिति हम आंगनबाड़ियों के लिए है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों पे, हम गरीब बहनों के लिए कुछ करें प्लीज़, हमारे लिए कुछ सोचे। जैसे देश में 370 की धारा हटाई गई कटनी कटनी क्षेत्र से, यहाँ पे बोरी, रिटीवन, बड़वारा और बिजरावगढ़ और रिठी, मतलब कटनी शहरी में जितने भी और जितनी भी हमारी जिले के अंदर में 7 परियोजना आती है, वो सारी परियोजना आज यहाँ पर केंद्र पर हड़ताल की है। हमारे अभी जो नए CM साहब आए, ये जब से आए हैं तब से इन्होंने घोषणा भी की थी कि हम सबको नियमित करेंगे, नियमित तो नहीं किए, लेकिन एक फरमान जारी हुआ है जिसमें हमारा केंद्र का 1500 रुपये राशि आना था, तो 1500 रुपये राशि जैसे ही वहाँ से हमारा मिलने का फरमान जारी हुआ है, तब से नए CM साहब और पुराने CA, जो पुराने हमारे CM साहब थे शिवराज सिंह चौहान सरकार, इन्होंने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी को 10,000 मानदेय दिया जाएगा, आंगनबाड़ी को 10,000 मानदेय दिया जाएगा। लेकिन 10,000 मानदेय उसी समय से हमारा घोषित है, लेकिन केंद्र सरकार ने 1500 रुपये हमारा अलग से दिया था, तो पूरा मिला के हुआ हमारा 11,500 पेमेंट। लेकिन अभी जो हमें मानदेय मिल रहा है वो पूरा हमें 10,000 मिल रहा है, लेकिन अभी MP से राज्य सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, उसमें 1500 कटौती की गई है। तो 1500 कटौती यदि की गई है, तो आपने घोषणा तो 10,000 की थी, तो फिर 1500 कटौती क्यों होगी? जब 1500 कटौती हुई है तो वो आदेश कहाँ है जिसमें आपने निर्णय लिया था कि हाँ हम आंगनबाड़ी कर्मियों का 10,000 घोषणा किए थे, अब इनमें से हम 1500 रुपये कटौती कर रहे हैं? इसका आदेश भी उन्होंने जारी नहीं किया। गुपचुप तरीके से षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने 1500 रुपये की कटौती करके और ये लेटर फरमान चुपचाप इन्होंने बंद करके रख दिया गया। और जब बाद में इन लोगों ने, जब अभी नए CM साहब आए, तब इन लोगों ने ये लेटर जारी किया कि अब आपका 1500 कटौती किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। ये हमारे पास बिल्कुल न्यायपूर्ण स्थिति नहीं है, हमारे लिए बड़ी अशोभनीय स्थिति है। हमें सरकार से ऐसी आशा नहीं थी। आज हमने केवल एक दिन के लिए केंद्र बंद हड़ताल की है। यदि ये आदेश को वापस लेकर हमें 11,500 रुपये मानदेय निर्धारित नहीं होता है, तो अनिश्चित काल के लिए पूरी MP की आंगनबाड़ियाँ।